हेलो नीटेस फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के PYQs, और जो हमारे PYQs होंगे वो 2002 से 2023 के बीच के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। मैंने इनको तीन सब टॉपिक में डिवाइड किया है। पहला हमारा जो टॉपिक होगा उसमें स्पीड ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एंड प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ स्पीड के बारे में, देखिए स्पीड को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। हम यहाँ पे जो अपने सेवन पढ़ते हैं वो गैस के RMS स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस, एवरेज स्पीड पढ़ते हैं, और वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी वो स्पीड जो मैक्सिमम गैस के पास है। चलिए अगर मैं बात करूँ VRMS की स्पीड का फार्मूला होता है 3RT/MW, यानी मॉलिकुलर वेट, ये हमारा होता है 8RT/πm। यहाँ पे हर जगह मॉलिकुलर वेट ये कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे RT यूज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल की स्पीड होती है 2RT/MW, ये हमारा फार्मूला है। ध्यान रखने वाली बात है कि जो VRMS है आप यहाँ देख भी रहे होंगे सबसे ज़्यादा होता है, देन V एवरेज, देन सबसे कम हमारा होता है मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, हम लोग इसका फार्मूला ये भी होता है, आप चाहो तो इसके फार्म में तो प्रेशर और डेंसिटी फार्म में 2P/ρ और सबका इस तरीके से, यानी हम लोग चाहे तो KT के फॉर्म में लिखें वेलोसिटी को, यानी हम लोग यहाँ पे VRMS को इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखिए 3KT/ सिंगल मास का, सिंगल मास ऑफ मॉलिक्यूल, इतनी बातें आप सबको पता होंगी। चलिए अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ध्यान रखने वाली बात है कि जो आइडल गैस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वही काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है। अगर मैं बात करूँ प्रेशर, पी होता है हमारा 1/3 nm × VRMS का स्क्वायर, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और एम हमारा होता है सिंगल गैस मॉलिक्यूल का मास, और ये हमारा VRMS का स्पीड। ठीक है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं 1/2, ठीक है ना, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इनटू VRMS का स्क्वायर। यस यानो आई थिंक इतनी बातें सबको क्लियर होंगी। तो यानी स्पीड ऑफ गैस हमने फार्मूला देख लिया, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग PYQs में करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। करें इन अ वेसल द गैस इज एट अ प्रेशर पी इफ द मास, देखिएगा मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज हाफ, मास को हाफ कर दिया गया है, एंड स्पीड इज डबल, स्पीड को डबल कर दिया गया, देन द रिजल्टेंट प्रेशर विल बी, तो अब नया प्रेशर कितना होगा। इनिशियल प्रेशर क्या था, पी था ना, तो पी का फार्मूला क्या हो जाएगा, पी इक्वल हो जाएगा 1/3 n सिंगल मास इंटू VRMS का स्क्वायर। एन हमारा क्या, हमने अभी आपको बताया नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। अब नया प्रेशर जो होगा पी डैश वो कितना हो जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ पे एन तो वही रहेगा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, पर मास क्या कर रहा है, हर एक मॉलिक्यूल का मास हाफ कर दिया जा रहा है m/2, और जहाँ पे VRMS ले रहे हैं यहाँ बोला जा रहा है स्पीड क्या डबल कर दी जाएगी 2VRMS का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2×1/3 nm VRMS का स्क्वायर। तो यहाँ से चीज क्लियर हो रहा है, जो पी डैश आ रहा है ना वो 2×P के आ रहा है। इस कंडीशन में प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, डबल के बराबर हो जाएगा इनिशियल के, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैव RMS वेलोसिटी ऑफ 200 m/s एट 20°C एंड 1.010⁵ Nm² प्रेशर। आगे बोला जा रहा है व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस आर रिस्पेक्टिवली 127°C एंड प्रेशर कितना कर दिया जाए 0.05 Nm², तो पूछा जा रहा है द RMS वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन m/s इज, देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास, अगर मैं आपको VRMS का फार्मूला लिखाऊं तो डिफरेंट टर्म में लिखा जा सकता है, आइए एक बार देख भी लेते हैं। तो VRMS हमारा दिस इज इक्वल टू 3P/ρ, यानी प्रेशर और डेंसिटी के रेशियो के फॉर्म में निकाल सकते हैं, या अगर टेम्परेचर के फॉर्म में दिया हो तो 3RT/ मॉलिकुलर मास निकाल सकते हो। इस तरीके से आप इसी को इस तरीके से लिख सकते हो 3KT/ सिंगल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंगल मास ऑफ मॉलिक्यूल, क्लियर बात है।
अच्छा यहाँ पे देखिए, आपको आप सबको पता होगा आर इक्वल टू क्या होता है। चलिए अगर आप सबको जिसको नहीं पता है यहाँ देख लें, तो हमारा बोल्टजमैन कॉन्स्टेंट होता है ना के, वो होता है आर डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। ये सबको पता है ना, यस या नो? तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो थ्री आर जन क्या लिख सकते हैं, आर जन लिख सकते हैं के इंटू एन ए इंटू टी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास को क्या लिख सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर इंटू मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स, एन एन ए कैंसिल हो गया, क्या हो गया 3 KT/m। तो इस तरीके से इस फार्मूले हमारे वी आर एम एस के हैं। पर आइए ये क्वेश्चन एक लाइन का है, अगर मैं इस फार्मूले पे चलता हूँ, देखिए हमें टेम्परेचर दिया है ना, हमारा वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट होगा गैस का ना। देख लो ध्यान से, वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, यस या नो? देखो यही तो ना हमारा वी आर एम एस, और हमें इनिशियल कंडीशन में टेम्परेचर दिया है और फाइनल में भी दिया है, दूसरे कंडीशन में भी दिया है। तो टेम्परेचर को हम किस में रखते हैं, केल्विन में। तो T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 27 प्लस 273 दैट्स मीन 300 केल्विन। अगर मैं बात करूँ T2 का, T2 कितना हो जाएगा, 127 प्लस 273 यानी कितना हो गया हमारा 400 केल्विन। तो कर लेते हैं, V1 हमारा कितना 200 मीटर पर सेकंड, डिवाइड में अगर B2 करते हैं तो क्या आएगा, रूट ऑफ T1 बाई T2, यस या नो? रेशियो करेंगे तो ए साइन को हटा के इक्वलिटी इक्वल वाला साइन लगा सकते हैं ना। चलिए V1 कितना है 200 है, V2 निकालना है यहाँ पे, रूट ऑफ T1 कितना हमारा 300 है, T2 कितना है 400, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा रूट ऑफ 3/4 का रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखें, यहाँ जो V2 आएगा हमारा वो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 200 मल्टीप्लाई 2 यानी हमारा 400 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यस या नो? तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेंगे। तो आसान सा क्वेश्चन ये भी था हमारा, आगे